हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होगे और बढ़िया रहो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं एक सिंपल और इजी ट्रिक जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलो यार, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बॉलीवुड के। सबसे पहले आपको 3 planks कुछ इस तरह से रख लेने हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली इस प्लैंक के चारों तरफ एक एक ट्रैपडोर लगा देना है। और ट्रैपडोर काफ़ी सिक्योरली लगाना, क्योंकि थोड़ा भी इधर उधर, मतलब ट्रैपडोर का पोजीशन एकदम सही होना चाहिए, वरना इधर उधर हो जाएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा। और बाकी बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई भी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल ट्रिक है। तो फटाफट से मैं जो है इसको लगा लेता हूँ और यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। और प्लेस करने के बाद यहाँ पे पहले वेदर को मैं जो है वो क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि वेदर यहाँ पे बारिश हो रहा है तो देखने में थोड़ा हमारा जो व्यू है वो ख़राब हो जाएगा। तो पहले वेदर क्लियर करते हैं और उसके बाद अभी जो ये ट्रैपडोर्स हैं, इन सभी ट्रैपडोर्स को एक्टिवेट कर देते हैं, मतलब इनेबल कर देते हैं या फिर जो भी होता है वो कर देते हैं। और पीछे वाले ट्रैपडोर्स को भी करते हैं फटाफट से। यहाँ पे हमारा ये भी जो है वो हो चुका है और सामने आना है। और यहाँ पे सॉरी, ये जो ऊपर वाला ट्रैपडोर है ये हमें नहीं लगाना था, इसको हटा देंगे और यहाँ लगाएंगे एक ग्लो फ्रेम या फिर आइटम फ्रेम, मतलब जो दो फ्रेम में से आप कोई भी फ्रेम लगा सकते हो, और उसके ऊपर एक वॉच पुट कर दो। और उसके बाद आप लोग नीचे जो है यहाँ पे एक बेल लगा दो और आप लोग देख सकते हो ये हमारा क्लॉक रेडी, और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा एपिक है। तो अभी बढ़ते हैं अपने सेकेंड टिप की तरफ। और अगर आपको ये टिप अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पे अभी हम जो है अपने सेकेंड टिप की तरफ बढ़ चुके हैं और यहाँ पे हमें जो है इसके ऊपर एक लगाना है ग्लो आइटम फ्रेम या फिर सिंपल आइटम फ्रेम, आप कोई भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पे ग्लो आइटम फ्रेम जो होता है वो यहाँ पे लगा रहा हूँ। और इसको आपको कुछ इस तरह से, नहीं, ये अच्छा नहीं होगा, इसको आपको कुछ इस तरह से रख देना है, मतलब आप सिंपल लगाओगे तो इसी तरह से पुट होगा। और इस तरह से लगाने के बाद यहाँ पे जो है आपको एक सिंपल काम क्या करना है, आपको यहाँ पे एक टॉर्च लगा देना है। और हाँ, ये याद रखना, टॉर्च ग्लो आइटम फ्रेम पे नहीं, आपको प्लैंक पे लगाना है। और उसके बाद आप लोग आउटपुट देख चुके हो जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही है। और अभी हम बढ़ते हैं अपने थर्ड टिप की तरफ। थर्ड टिप के लिए भी आपको एक प्लैंक चाहिए, उस पर आपको एक ग्लो आइटम फ्रेम या आइटम फ्रेम लगाना है। और उसके बाद इसके ऊपर आपको रखना है एक ड्रैगन हेड, और ड्रैगन हेड रखने के बाद आपको सिंपली इसके ऊपर जो है टॉर्च लगा देना है। और ये आप लोग देख सकते हो जो हमारा थर्ड टिप है वो मुझे सबसे ज़्यादा पर्सनली काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगा। और फर्स्ट एंड थर्ड मैं पर्सनली बता रहा हूँ, सेकेंड भी, मतलब तीनों सही है यार, बट पता नहीं यार, मेरे को तो सब अच्छा लगा लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा यही वाला लगा। तो आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लविंग, कीप सपोर्ट।